दोस्तों आज की वीडियो में आपको नावी से दोबारा लोन लेना सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप जो दोबारा लोन लेना चाहते हैं नावी से सेकंड लोन, तो इस वीडियो में आपने जो एक लास्ट तक बने रहना। मैं आपको जो इसमें तरीका बताऊंगा किस प्रकार से आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो एक लोन यहाँ पर चल रहा है ऑलरेडी, और आप चाहते हैं कि दूसरा लोन लेना भी तो भी आप ले सकते हैं। एक लोन आपका जो है कि यहाँ पर खत्म होने वाला है और आप लेना चाहते हैं दूसरा लोन, तब भी आप जो कि यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मैं तरीका बताऊंगा कौन कौन से तरीकों को आपको फॉलो करना है। जो पहला तरीका है, यहाँ पर सिविल स्कोर आपका जो है 750 के अराउंड आपका होना चाहिए। इसमें अगर आप चूंकि स्ट्रॉन्ग सिविल है आपका, तो आपको बहुत अच्छी बात है, आपको जो यहाँ पर एलिजिबल आसानी से हो जाएंगे। दूसरा से जो दूसरा पॉइंट है वो है यहाँ पर आपका रीपेमेंट टाइम पर करना है। रीपेमेंट अगर आप जो टाइम पर करते रहेंगे आपका फर्स्ट लोन का, तो आपको जो यहाँ पर सेकंड लोन के लिए एलिजिबल बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो यहाँ पर नावी में टॉपअप लोन मिलता है, उसके बाद में एग्जिस्टिंग लोन मिलता है, और यहाँ पर जो है कि सेकंड लोन जो है ये ऑफर में आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है कि इसको एलिजिबल होने के लिए दोनों क्राइटेरिया जो इनको फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद में यहाँ पर आपका जो है कि सब कुछ अगर सही चलता रहा तो आपको मैं बताता हूँ दूसरा और भी बोनस तरीका। इसमें अगर आपका जो है कि यहाँ पर 6 महीने की आपकी ईएमआई चल रही है फर्स्ट लोन की, उसमें आपको जो है कि यहाँ पर 4 महीने की ईएमआई पे करने के बाद में फोर क्लोजर करना है सब कुछ, आपको जो है कि यहाँ पर सेकंड लोन का ऑफर मिल जाएगा। तो चलो हम जो है कि देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन को ओपन करके हम देख रहे हैं उसमें कि हमें किस प्रकार से कैसा ऑफर मिलता है। तो चलो बढ़ते हुए एप्लीकेशन में, जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीड अनदर लोन चेक योर एलिजिबिलिटी नो। यहाँ पर हमने जो एक लोन को फोर क्लोजर कर दिया है, देना हमारे पास में इस प्रकार इंटरफेस आ रहा है। यहाँ पर ऑफर मिला हमें, तो हमें जो एलिजिबिलिटी मिली है सिंपली हमें चेक करना है, तो गेट कैश पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर एलिजिबल फॉर ए न्यू लोन, तो सिंपली यहाँ पर इंस्टेंट ट्रांसफर नो केवाईसी रिक्वायर। यहाँ पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, ना केवाईसी करने की जरूरत, सिंपली आगे आना है। यहाँ पर आपको जो है कि पूरी परमिशन दे देना है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपको थोड़ी देर और वेट करना है, ऑफर हमारे साथ चेक किया जा रहा है। ऑफर के लिए आपको थोड़ा वेट करेंगे आप, तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हमारा आपको ऑफर एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 55,000 के हमें जो यहाँ पर एलिजिबल हुए हैं, 55,000 का लोन हमें ले सकते हैं, और यहाँ पर 24 महीने के लिए हम ले सकते हैं इसको। जो है इसका ईएमआई डेट वगैरह सबको आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप जो है यहाँ पर एडिट वगैरह करना चाहते हैं यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कि आपको पर मंथ का इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है। बैंक वगैरह सब कुछ ऑटो पे हमारा इनेबल है। सिंपली आपको जो है कि एडिट करना है आपके मंथ को ईएमआई को, तो सिंपली आपको जो है यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एडिट ऑफर का, सिंपली आप जो है उस पर क्लिक करके यहाँ पर उसका ले सकते हैं। तो यहाँ पर एडिट ऑफर पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि जो भी आपका लोन अमाउंट आपको एडिट करना है या फिर आपको ईएमआई एडिट करनी है, तो उस पर क्लिक कर देना है। सिंपली हमने जो है कि 6 महीने की ईएमआई कर दी है हमारी, 6 महीने की ईएमआई क्लिक करके सिंपली हमें जो है कि यहाँ पर कन्फर्म जो दिखा रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि पूरा सब कुछ वैसा का वैसे देखने को मिल जाता है। सिंपली आपको ट्रांसफर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको जो है कि बैंक का डिटेल्स देखने को मिल जाता है, कितना अमाउंट आपका चार्ज लगेगा और कितना बैंक अकाउंट में आएगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इंटरेस्ट हमारा इतना लग रहा है, हमें रिपेमेंट इतना करना होगा। सिंपली यहाँ पर जो है कि हमारा इंटरेस्ट रेट इतना है। अब आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर आपको जो ट्रांसफर गेट पर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको जो है आपका पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पर देना होगा, तो पैन कार्ड को यहाँ पर जो है कि पैन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड हमने जो यहाँ पर अपलोड कर दिया है, उसके बाद आपको जो है कन्फर्म करना है। उसके बाद आपको जो एजेंट आपसे बात करेगा, आपकी केवाईसी होगी, केवाईसी ही आपको जो सिंपली बात होगी ओनली, और देन आपको जो है कि यहाँ पर आपका पैसा बैंक अकाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर वेट करते हैं, आपको मैं लाइव दिखाऊंगा HDFC बैंक का हमारे जो है कि ट्रांसफर किया जा रहा है, डिसबर्स सक्सेसफुल हो गया हमारा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको जो है कि यहाँ पर आपको लाइव होम पेज पर दिखा देता हूँ 55,000 ट्रांसफर सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपको जो है कि आपको होम पेज पर इस प्रकार का देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर जो आपका लोन जैसे ही एक्टिव होगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे जो है यहाँ पर 10,200 के यहाँ पर EMI वगैरह देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपका जो है कि अगर पे करना चाहते हैं तो आप पे भी कर सकते हैं, और मोर ऑप्शन पर क्लिक करके उसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कौन कौन सी डेट पर हमें EMI आएगी। तो यहाँ पर जो है कि हम आपको मैं लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा कि आपको किस प्रकार से हमें जो है कि पेमेंट रिसीव हुआ है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव प्रूफ। यहाँ पर आपको जो देख सकते हैं 55,000 रुपये का लाइव आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, हमें बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ है जो 55,000 रुपये का हमारे जो है कि अभी इंस्टेंटली रिसीव हुआ हमारे बैंक अकाउंट में। तो कैसा लगा आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप जो है कि लाइक करके जो है ना, मिलता है हम किसी और अनदर वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।